एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को अपने पुराने संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी के दौरे पर आए तो नगरीय निकाय चुनाव में टिकट के दावेदारों ने इसे अपने शक्ति प्रदर्शन का अवसर बना लिया। इसमें भी एक रोचक मुकाबला देखने को मिला। शक्ति प्रदर्शन करने वालों में सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में आए उनके पुराने समर्थक भी शामिल थे। दूसरी ओर इनमें बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता भी शामिल थे जो महाराज के सामने टिकट के लिए अपनी दावेदारी पेश करना चाहते थे। महाराज के रोड शो में बीजेपी के बड़े नेता भी हाजिर लगाने लगे, लेकिन प्रदेश सरकार में मंत्री और उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया के समर्थक इससे दूर रहे। शिवपुरी नगर पालिका के अलावा पोहरी, बैराड, केरारा, नरवर, पिछोर, कोलारस, बदरवास, नरौद समेत अन्य नगर पंचायतों के लिए नेता और कार्यकर्ताओं ने इस शक्ति प्रदर्शन में जोर आजमाइश की। कई नेताओं ने सिंधिया को अपना बायोडेटा भी दिया। सिंधिया ने छात्र स्थित बॉम्बे कोठी से सर्किट हाउस तक रोड शो किया। इसमें प्रदेश सरकार के दो मंत्री, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा उनके साथ थे। रोड शो में बड़ी संख्या में सिंधिया के पुराने समर्थक और बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सर्किट हाउस में सिंधिया ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत कई बड़े संख्या में अधिकारी भी मौजूद दिखे। सिंधिया के दौरे के दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजू बाथम, पूर्व जिला अध्यक्ष सुशील रघुवंशी, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, केपी यादव के सांसद प्रतिनिधि हेमंत ओझा समेत बड़ी संख्या में पार्टी के नेता उनसे मिलने पहुंचे। शिवपुरी में हुए रोड शो में कार्यकर्ताओं की भीड़ के बावजूद ज्यादा चर्चा यशोधरा राजे सिंधिया के समर्थकों की महाराज के कार्यक्रम से दूर रहने की हो रही है। यशोधरा राजे शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके समर्थक अधिकांश नेताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से दूरी बना रखी है। जानकारी के अनुसार जिले के सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक सर्किट हाउस में जिला अध्यक्ष राजू बाथम ने बुलाई थी। यशोधरा समर्थक कुछ मंडल अध्यक्ष भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ।